ओरिजिन ऑफ यूनिवर्सिटी यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में प्राचीन मान्यता तो यह है कि ब्रह्मांड है जो वर्तमान में जैसा दिखाई देता है यह सदा वैसा ही है। इस परिकल्पना में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। क्या आपको पता है कोपरनिकस द्वारा जब ये सिद्ध कर दिया गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है तो ये परिकल्पना छोड़ दी गई। क्या आपको पता है 1917 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने स्थिर ब्रह्मांड विचार को पुनः जीवित कर दिया। क्या आपको पता है ऊपर की ओर देखने पर अनंत तो आकाश दिखाई देता है। दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण सूर्य और कभी कभी चंद्रमा अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। सूर्य के छिपने के बाद रात होने पर आकाश को देखने पर उस ग्रह असंख्य अन्य तारे अन्य पिंड दिखाई देते हैं। इस संपूर्ण समूह को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को विज्ञान में कॉस्मोलॉजिक कहते हैं। हमारी पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा अंश है। ब्रह्मांड यूनिवर्स हैं एक ही हैं या अधिक, इस विषय में वैज्ञानिक अभी एकमत नहीं हैं। धन्यवाद।